नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं, घर घर एक ही परेशानी शुरू हो जाती है। हर कोई सर्दी खांसी बुखार का मरीज इन दोनों नजर आता है, लेकिन आखिर ये समस्या उत्पन्न कैसे होती है, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और साथ ही साथ सर्दी खांसी बुखार की हम पहचान कैसे करें, इस बाबत भी हम आपको बताएंगे और समाधान पर भी चर्चा करेंगे। अगले घंटे में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। मौसम में बदलाव के कारण आपको अक्सर सर्दी जुकाम की परेशानी झेलनी पड़ती है। सर्दी जुकाम को हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी परेशानी हो सकती है। खांसी जुकाम अक्सर मौसम में होने वाली बदलाव, दिनचर्या में बदलाव या प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ये बीमारी आपको लोगों से भी हो सकती है जो पहले से इससे ग्रसित हैं। अपने आसपास किसी के छींकने खांसने से भी आप इसके संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। सर्दी खांसी से होने वाली दिक्कतों की अगर बात करें तो आपको खांसी, छींकना, नाक बहना, कपकपी छूटना, गले में खराश, बुखार, बदन दर्द जैसी परेशानी को झेलना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम तब होता है जब कोई संक्रमण आपके नाक, गले या मुंह के रास्ते आपके फेफड़ों तक दाखिल होता है। आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पहले आपको इन परेशानियों से लड़ने में मदद करती है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप इसके शिकार हो जाते हैं। शायद आपको ये बात मालूम ना हो, लेकिन सर्दी जुकाम से लड़ने में आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। सर्दी जुकाम के लक्षण आमतौर पर दिखने में कुछ दिन लगते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जुकाम के लक्षण अचानक दिखाई दे। अक्सर हम जुकाम और फ्लू के लक्षणों के बीच अंतर नहीं कर पाते, लेकिन जुकाम और फ्लू के लक्षणों के अंतरों को जानने से आपको ये तय करने में मदद मिल सकती है कि आपको अपना इलाज कैसे करना है। बंद नाक, साइनस पर दबाव, नाक बहना, नाक भारी होना, कुछ भी न सूंघ पाना, बार बार छींक आना। सर्दी जुकाम की एक और परेशानी है खांसी। खास तौर से जुकाम के बाद खांसी की समस्या से सबको दो चार होना पड़ता है। खास तौर से इस मौसम में आपको अपने आसपास कोई ना कोई खांसता हुआ नजर आ जाएगा, फिर चाहे वो घर हो, पड़ोस हो, ऑफिस हो या फिर स्कूल, हर जगह लोग खांसी से परेशान हैं। एलर्जी या मौसम में बदलाव, सर्दी या फ्लू, वायरल संक्रमण, प्रदूषण, ऐसे खांसी के कई प्रकार होते हैं। एक्यूट खांसी, सब एक्यूट खांसी, क्रॉनिक खांसी, काली खांसी, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी। जल्द खांसी का उपचार ना किया जाए तो खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता है। खांसी होने पर प्रदूषण वाले वातावरण और धूल मिट्टी में जाने से बचे। साथ ही खांसी में आहार का विशेष ध्यान न रखा जाए तो ये बिगड़ कर पुरानी खांसी का रूप ले सकती है। वैसे तो सर्दी जुकाम को पूरी तरह रोकना संभव है, पर कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे आप अपने परिवार को इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना को कम कर सकते हैं।
अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करें, धूम्रपान से बचें, घरेलू सतहों को साफ रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, ये सर्दी जुकाम से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है। खासतौर से किसी सार्वजनिक स्थान से वापस घर आने पर हाथ जरूर धो लें। अगर आप बार बार हाथ धोते हैं तो ये उन वायरस को नष्ट करने में मदद करता है जो आप दूसरे संक्रमित लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सतहों से उठाते हैं। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो आप अपने साथ सैनिटाइजर लेकर जाएं और उससे अपने हाथों को साफ कर लें, ताकि अगर आप किसी वायरस से संपर्क में भी आ गए हैं तो ऐसा करने से आपको उसे खत्म करने में मदद मिलेगी। और हाँ, अपने बच्चों को भी हाथ धोने का महत्व जरूर सिखाएं। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास हैं या किसी सार्वजनिक क्षेत्र में आए हैं तो अपने चेहरे को, खासतौर से नाक और आंखों को ना छुएं। ऐसा करने से अगर आपके हाथों पर वायरस है तो उस वायरस की आपकी सांस प्रणाली में घुसने की संभावना कम हो जाएगी। सिगरेट का धुआं वायु मार्गों को परेशान कर सकता है और सर्दी जुकाम या अन्य संक्रमणों के संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि निष्क्रिय धुएं के संपर्क में आने से भी आपको या आपके बच्चों को सर्दी जुकाम के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि कहना मुश्किल है कि अच्छा खाना या व्यायाम करने से सर्दी जुकाम को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि निष्क्रिय धुएं के संपर्क में आने से भी आपको या आपके बच्चों को एलर्जी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि भावनात्मक तनाव का अनुभव करने वाले लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और तनाव रहित रहने वाले लोगों की तुलना में तनावग्रस्त लोगों को सर्दी जुकाम या किसी भी तरह की एलर्जी होने की संभावना ज्यादा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है। हम अपने तमाम मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति शर्मा जुड़ेंगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, निम्स की प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सोनाक्षी सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही हैं, MBBS MD हैं, और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैक्स के सीनियर डॉक्टर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी मनोज जी, सर्दी का मौसम है, कोल्ड कफ तो सबसे ज़्यादा रहता ही है, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि गंभीरता कितनी ज़्यादा हो जाती है सर्दियों के मौसम में, कौन कौन सी परेशानियों से बचना चाहिए? देखिए, अभी मैंने आपके रिपोर्ट में देखा और जिस तरीके से हम लोग मानते हैं कि जब सर्द मौसम आता है या जाड़े का मौसम आता है तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। एवरी 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर गिरता है तो करीब करीब समझिए 0.5% से मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये विंटर जो है या जो जाड़े का मौसम है अपने साथ कई बीमारियां लेके आता है। खास करके जो हमने अभी रिपोर्ट में भी देखा और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज होता है वो कॉमन वायरल इलनेस जिसको आप फ्लू बोलते हैं वो बढ़ जाता है। और फ्लू की जो सिवेरिटी है वो डिफरेंट होती है, कहीं तो बहुत माइल्ड होती है जैसे आपने कहा कि सर्दी जुकाम की तरह से रनिंग नोज, हल्का फीवर, बॉडी एक, गले में जलन या सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी नौबत आती है, खास करके जो एक्सट्रीम एज वाले हैं, जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे या 65 साल से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें ये सिम्टम्स कभी कभी बड़ा सीरियस हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो कॉमनली जो वायरस रेस्पॉन्सिबल है बच्चों में, जैसे राइनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं मेन ऑर्गेनिज्म होती है जो पैथोजेन कहते हैं वो होती है। निश्चित तौर पे इसका इम्यूनिटी से संबंध है, क्योंकि अगर आप इम्यून डिफिशियंट हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या किसी तरह की इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग खा रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम है या क्रॉनिक लंग्स की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आप कोई वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन भी लेंगे तो उससे बचाव होता है। करीब करीब 41% रिडक्शन हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर इलनेस का। साथ में आपने प्रदूषण की बात भी की, तो प्रदूषण जाड़े में आप देखते हैं हर बार दिल्ली NCR में जो है AQI जो है हैजार्डस रेंज में रहता है, और PM 2.5 ये
मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज तो करते हैं, जो भी गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं या जो प्रदूषण करने वाले जो गैसेज हैं और जो ठंड है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, साथ साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम 2.5 PM का डायरेक्ट एसोसिएशन है हार्ट डिजीजेस के लिए। और आपने देखा होगा कि सर्दियों में हार्ट अटैक, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर भी जंप कर जाता है। इसके बारे में आपसे डिटेल में जानोगे क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं। हमारे साथ यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्रुति शर्मा है, उनसे बात करते हैं। श्रुति जी, आप क्या बताएंगे डिटेल में अगर हम जानना चाहें कोल्ड कफ के लिए कौन से वायरस जिम्मेदार होते हैं? जैसे कि सर ने अभी बताया कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास में जो राइनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसेंशियल वायरस है, फ्लू वायरस है जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू एंड अभी जो चल रहा है H1N1 और इसके नाम से जानते हैं, इवन कोविड वायरस है, दीज आर द कॉमन रिस्पॉन्सिबल वायरस जो कि ज़्यादातर इस टाइम पे इस मौसम में होते हैं। जो मेन डिफरेंस है कि सर ने बताया और जैसे कि आपके जो अभी मैं देख रही थी उसमें भी था कि मेन जो कॉमन डिफरेंस है जो कि राइनो वायरस एंड जो रेस्पिरेटरी सिंसेंशियल वायरस जो कि ज्यादातर बच्चों में होते हैं, इस सीजन में ज्यादा होते हैं, दे आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है जो कॉमन कोल्ड होता है, जो हमारा सर्दी जुकाम है, ज्यादातर ये वायरस ये चीजें करवाते हैं। फ्लू वायरस जैसे कि स्वाइन फ्लू है, COVID-19 जो कि हमने देखा, बिल्कुल मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी जी, जैसे कोविड के दौर में भी हमने देखा कि सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा उसमें भी सर्दी जुकाम के सिम्टम्स सामने आ रहे थे और इसमें भी जो कॉमन कोल्ड होता है, तो कैसे आखिर डिफरेंशिएट करें, कैसे काम आदमी समझ पाए? देखिए, ये जो इनके सिम्टम्स से डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक जैसे कि मैंने बताया कि जो राइनो वायरस एंड रेस्पिरेटरी सिंसेंशियल वायरस, दे आर कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे कॉमन कोल्ड करवाते हैं, जो सर्दी जुकाम जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादातर वो करवाते हैं। फ्लू वायरस जैसे कि स्वाइन फ्लू है, H1N1, आजकल H3N2 भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है जो कि उसी का ही वेरियंट है, और COVID-19 ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि हमारे लंग्स में भी इंफेक्शन, अगर इनको टाइमली हम लोग ट्रीट ना करें तो ये लंग्स में भी इंफेक्शन, निमोनिया करवा सकते हैं आगे जाकर के, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी है। तो इसमें कुछ वायरसेस जो होते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंपल कॉमन कोल्ड बॉडी की इम्यूनिटी से ठीक हो जाएंगे जी, कॉमन सिम्टम्स शुरुआत वहीं से ही होती है सर्दी जुकाम से, लेकिन जो स्वाइन फ्लू हो गया, COVID-19 हो गया, ये जल्दी फैल जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स में, फेफड़ों का इन्फेक्शन ये करवाने लग जाते हैं और फिर उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सोनाक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर सोनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोनाक्षी जी किस तरह से हम समझ पाए कि अब हमें डॉक्टर की जरूरत है? देखिए, कोल्ड कफ जो है बहुत पुरानी बीमारी, कई बार बहुत ज्यादा गंभीर भी ये हो जाता है और कई बार ये 2-3 दिन में घर में ठीक भी हो जाता है, तो इसकी सीरियसनेस किस तरह से समझे? आजकल जैसे हम देखते हैं विंटर्स में राइनो वायरस और ये बहुत कॉमनली कोल्ड कॉफ कराते हैं, तो यूजुअली अगर हमारे पास पेशेंट्स भी इससे कम टू अस ओपीडी में, तो हम यही बोलते हैं कि अगर हल्का सा गले में खराश है या फिर थोड़ा जुकाम सर्दी लग रहा है, तो उस केस में हम जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं, जो थोड़े रेड फ्लैग होते हैं, डेंजर साइंस ये हैं कि अगर खांसी में बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है, कंटिन्यूसली बहुत हाई ग्रेड फीवर है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग, लूज टूल्स, ये सब और एडिशनल दिक्कतें आ रही हैं, तो ये थोड़े गंभीरता का लगभग एक लक्षण हो सकते हैं। तो इस केस में हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हो सकता है कि निमोनिया की भी संभावना है, तो और उसमें आगे चल के भी इनपेशेंट एडमिशन और मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है जी। डॉक्टर मनोज, अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपने हार्ट डिजीज का भी जिक्र किया, आपने कहा कि सर्दियों के दिनों में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है जी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि एक टर्म है जिसको बोलते हैं विंटर कार्डियोवैस्कुलर फेनोमेनन, मतलब सर्द के साथ क्या हृदय में चेंजेस आते हैं। आप सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो होता है बॉडी पे आपके ठंड का, कि आपकी जो नसें हैं उसको सिकुड़ जाती हैं, उसको भेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जब भेजो कंस्ट्रिक्शन नसें सिकुड़ती हैं तो हार्ट को अगेंस्ट प्रेशर काम करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस। एक स्टडी आई थी उसमें कहा गया था कि 12 तरह की हृदय रोग से संबंधित कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो बढ़ जाती है। उसमें था कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, अनस्टेबल एंजाइना के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि आपके सीने में पानी चला जाता है जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, या फिर सांस फूलना,
तो हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर, आप यूजुअली देखेंगे कि सर्दियों में जो ब्लड प्रेशर की दवा की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है वो सारी चीज़ें बढ़ती है। जैसे आप सिंपल सी चीज़ जैसे पैरों में खून का थक्का जो जमा होता है जिसको DVT बोलते हैं, या जैसे लंग्स में क्लॉट जाना हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इवन जो एओटा होता है उसका रप्चर होता है जिसको एओटिक डिसेक्शन बोलते हैं। तो विंटर तो बहुत ही हॉस्टाइल होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन आते हैं वो भी बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी स्टेज पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि वेसल्स की जो लाइनिंग या वेसल्स की जो अंदरूनी हिस्से पे जो चर्बी जमा होती है वो इन्फ्लामेशन की वजह से वो रप्चर हो जाती है, और उससे दिल की नसों में भी क्लॉट बनता है, और ये भी एक मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक का। तो निश्चित तौर पे विंटर ठंड जो है बहुत ही होस्टाइल है हार्ट और पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। बिल्कुल, डॉक्टर सोनाक्षी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर सोनाक्षी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जाता है सर्दी को लेकर कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपने बताया भी कब ये सीवियर हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों का हम सेवन ना करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, या फिर हम शाम के वक्त फल ना खाएं, तो ये कितना सही है? मेरे हिसाब से ये ठंडा और गर्म खाना एक थोड़ा मिथ मानती हूँ मैं। लाइक ऐसा कोई खाना नहीं है जो वर्सन करेगा, बस ये होता है कि गर्म जैसे पानी पी रहे हैं, कोई वार्म फ्लूइड्स ले रहे हैं, तो थोड़ा कंजेशन में रिलीफ करता है। बाकी अगर पेशेंट्स आते हैं, हम उनको ऐसे डाइटरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट ये मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि फ्लूइड अच्छे से लेना है, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वार्म फ्लूइड्स लेंगे तो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गाजियाबाद से आरती जुड़ी है हमारे साथ। आरती, आपका स्वागत है, सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। मेरा सवाल ये है कि कई बार लंबी जब खांसी चलती है, जैसे हफ्ते दो हफ्ते की हो जाती है, तो ब्लड क्लॉट्स भी कफ में आने लगते हैं छोटे छोटे, या डस्ट पार्टिकल्स भी आने लगते हैं, तो क्या ये डेंजरस है? क्या हमको होम रेमेडीज छोड़ के क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए? तो मतलब कितना डेंजरस है ये, बस ये जानना चाहती थी मैं। डॉक्टर मनोज, अगर आप जवाब नहीं, देखिए अगर आपको बहुत सीवियर कफ है और ब्रोंकाइटिस वाले फीचर्स हैं, जब आपका जो URI जिसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो सांस की नलियों में ट्रैकिया और ब्रोंकस में चला गया, तो आप बहुत ज़ोर से खांसते हैं तो थोड़ा मतलब ब्लड आ जाता है जिसको हिमोप्टिसिस बोलते हैं, बट ये बहुत ही स्कैंटी होता है, थोड़ा होता है। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में ब्लड आ रहा है खांसने के बाद और आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, फीवर है, तो चांसेज है कि निमोनिया भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का जो कफ में ब्लड आता है तो उसके बाद एक एक्सरे चेस्ट जरूर कराएं और अपने चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि ये हो सकता है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट हो, खांसने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से भी थोड़े बहुत ब्रोंकस से ब्लड आ जाते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर ये परसिस्ट करता है तो अपने चिकित्सक से मिलें, अपना एक एक्सरे चेस्ट जरूर कराएं। जी, कई बार ऐसा होता है कि कफ के साथ में ब्लड वो डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं, तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्या सीवियर होता है या रेगुलर है, पोल्यूशन है दिल्ली NCR में इसकी वजह से हो रहा है या? देखिए दिल्ली NCR में या जहाँ पॉल्यूशंस का लेवल AQI हैजार्डस रेंज में, आप बहुत बार देखेंगे कि आपका जो स्पूटम या जो कफ होता है, जो बलगम जिसको आप बोलते हैं, वो ब्लैक कलर्ड का होता है, वो जनरली पॉल्यूशंस की वजह से होता है। लेकिन कई बार ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस है, पल्मोनरी एस्परजिलोसिस लंग्स का, जो उसमें बड़े काले काले स्पूटम्स आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मिल के अपना एक्सरे चेस्ट कराएँ, और इसको थोड़ा सा ये निर्धारित होना चाहिए कि ये सिंपल पॉल्यूशन की वजह से है, ज़्यादा खांसने की वजह से है, या कोई गंभीर इन्फेक्शन है। थैंक यू। शुक्रिया आरती कॉल करने के लिए आपका। तो न्यूज़ इंडिया पर हम तमाम दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर वो भी चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। हमारा पैनल यहाँ पर बना हुआ है और फोन लाइंस भी हमारी खुली हुई है, नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, ताकि आप भी अगर कोल्ड कफ से जुड़ी कोई समस्या है तो आप जान सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रुति से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। डॉक्टर श्रुति, अभी डॉक्टर ने भी जिक्र किया कि AQI लेवल बहुत ज़्यादा है दिल्ली NCR में, तो क्या हम ये माने कि कोल्ड कफ की जो समस्या है ये दिल्ली NCR के रीजन में ज़्यादा रहती है, या फिर ये कहें कि ये जल्दी से यहाँ के जो लोग हैं उनमें ठीक नहीं होती है?
देखिए, कोल्ड कफ की जो समस्या है बहुत ही यूनिवर्सल है, ये सब जगह होती है। पॉल्यूशन से हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि जो भी वायरसेस होते हैं वो दो तरीके से फैलते हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि हैंड्स के थ्रू जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो फैलते हैं, प्लस साथ में एयरबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं जो कि जैसे खांसने छींकने, प्लस साथ में ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं जो कि जैसे फ्लू वायरस होता है, जो हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सब एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं। जहाँ पे भी प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है, AQI ज़्यादा है, वहाँ पे ये न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो कि एयर के अंदर बहुत लंबे टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर एक आपके कॉन्स्टेंटली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन्फेक्टेड है, तो जो वायरस नॉर्मल जगहों पे जितनी देर रहेगा वो उससे ज्यादा सस्पेंडेड रहते हैं जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस वहाँ पे ज्यादा रहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके हैं, प्लस जहाँ पे प्रदूषण की समस्या ज्यादा है। दूसरा एक चीज इसके अंदर ये है कि जो आपने इम्यूनिटी की बात की, बिल्कुल सही बात यह है कि जहाँ पे भी COPD की प्रॉब्लम है, बिल्कुल इम्यूनिटी के बारे में आपसे मैं बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सर्दी खांसी के विषय में हम बात करें, सर्दी जुकाम के बारे में बात करें, जो कि आजकल घर घर की समस्या, और हमारे साथ खास पैनल भी लगातार बना हुआ है। आप फोन करके भी अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। अभी हमारे से डॉक्टर नरेश अग्रवाल भी जुड़े हैं, डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है DMC के और पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी रहे IMA के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कई दफ़ा क्या होता है, हमें शुरुआती दौर में जब कोल्ड होता है तो हमें खांसी भी शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमें स्नीजिंग के बिना खांसी होती है, कई बार ऐसा होता है कि खांसी हमें लगता है कि ये अब हमारा कफ जो है, कोल्ड जो है, वो ठीक हो रहा है, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें? देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हर साल ये सर्दी गर्मी बरसात का साइकिल आता है। इस साल मैं देख रहा हूँ कि जो वायरल फीवर है, जो फ्लू है, थोड़ा ज़्यादा है, ज़ुकाम भी है, और बहुत ही गंदी खांसी, जिसको कि हम एलर्जिक या ब्रोंकाइटिक कफ कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, आज सुबह भी हम काफ़ी भरमार है, और लोगों से मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसे ही आपको ज़ुकाम लगे, लोग कई बार अपनी मर्जी से केमिस्ट शॉप से लेके एंटी एलर्जिक खा लेते हैं, उससे ज़ुकाम तो बंद होना हो, सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज बी इन टच विद योर डॉक्टर। आप पानी ज़्यादा पीजिए अपनी तरफ से, आप स्टीम लीजिए अपनी तरफ से, आप अच्छा खाना खाइए अपनी तरफ से, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन, जिसमें एंटी एलर्जिक्स और एंटीबायोटिक्स, हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स, अपनी मर्जी से मत लीजिएगा। बी इन टच विद योर डॉक्टर, जो आपको वो सलाह देगा उससे आपकी खांसी लंबी नहीं खिंचेगी। अदरवाइज तो मैंने देखा है कि लोगों की खांसी तीन चार चार हफ्ते या उससे भी ज़्यादा ठीक नहीं होती है। सो टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट विद द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, उससे आपका फ़ायदा भी होगा और अननेसेसरी कष्ट से भी आप बचेंगे। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक्चुअली आजकल कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक अलग तरह की खांसी चल रही है, यानी ये जो हमेशा हमें खांसी होती थी कोल्ड कफ में, उससे डिफरेंट है, कोई अलग तरह का वायरस है। देखिए, वायरस जो ये वायरस फ्लू या इसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जैसे कोरोना भी एक वायरस था, अब ये इन्फ्लुएंजा वाला वायरस, ये स्ट्रेन बदलता रहता है, और समहाउ मैं समझता हूँ पोल्यूशन की वजह से और लंबी विंटर की वजह से, लोगों के गंदे खान पीन से, जो जंक फूड का ज़्यादा होता है, समहाउ हम देख रहे हैं इट इज़ ए वेरी, बहुत ही ट्रबलसम खांसी चल रही है, बहुत ही ट्रबलसम। इट समटाइम कंटिन्यूज फॉर 3-6 weeks। लोग दवाई खा के तंग आ जाते हैं, अप टू द एक्सटेंट हमें नेबुलाइजर्स देने पड़ते हैं, हमें कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स देने पड़ जाते हैं, बट समहाउ इट डजंट गो। उन सब लोगों को मैं एक ही बात कहता हूँ, आप दवाओं पे एक हद तक डिपेंड करिएगा, अपनी जनरल सलाहें, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन है। मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो पूरे दिन में 2-3 glass पानी भी नहीं पीते। तो आई वुड टेल ऑल द पीपल, कम से कम इस मौसम में एक 60 साल के इंसान को कम से कम मेरे हिसाब से अराउंड 2.5-3 liters बार पानी जरूर पीना चाहिए। पानी चाहे गर्म हो, गर्म पानी का ऑब्सेशन ठीक नहीं है, बट इज़ द वाटर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। टेक मोर फ्रूट्स, अननेसेसरी जंक फूड या आउटसाइड फूड को अवॉइड कीजिएगा, टेक ए बैलेंस फूड, अपने आप ठीक होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, चीज़ अपने आप ठीक होगी। जी, दिल्ली से प्रवीण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवीण, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे
कान में मेरे जो है दर्द हो रहा है, और मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि ये जो हल्की खांसी मुझे लगी हुई है ये उसकी वजह से है। तो कान में दर्द खांसी की वजह से हो सकता है क्या, और अगर है तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये तकलीफ हम भी काफ़ी लोगों को देख रहे हैं। जैसे ही ज़ुकाम होता है, ज़ुकाम अगर गले पे गिरता है तो फ्रंजाइटिस होती है, छाती पे आता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाती है, सेम चीज़ अगर कान में जाती है तो हमारी एक कैनाल होती है यूस्टिकन कैनाल, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो जाता है और वो काफ़ी ट्रबलसम होती है। तो उसमें जो ट्रीटमेंट्स अलग नहीं होते, इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बोला है, स्टीम इनहेलेशन और पानी ज़्यादा पीना हेल्प करता है, बाकी प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रॉपर डोज में लीजिएगा और जितने उनका कोर्स है 5 to 7 days लीजिएगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर श्रुति, यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स का जिक्र कर रहे हैं कि अक्सर हमें उनका सहारा लेना पड़ता है अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए, बुखार से या फिर हम कहें कि कोल्ड कफ से, तो कितना सही है एंटीबायोटिक्स लेना? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि नहीं लेना चाहिए, इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। एग्जैक्टली, एक्चुअली एंटीबायोटिक्स हमको समझना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो भी हम लोग दवाई लेते हैं, दे आर एंटीबायोटिक्स। तो पहली बात तो वायरस के अगेंस्ट वो काम करेगी नहीं। तो कोई भी अगर वायरस इन्फेक्शन है तो हमको पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेने का फ़ायदा नहीं है। दूसरा, नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एंटीबायोटिक्स, पहली बात तो अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक, अननेसेसरी एंटीबायोटिक और बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो हम लेते हैं जिसका कुछ डोज वगैरह नहीं पता, तो एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करवा देता है। दूसरी बात यह है कि जो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको भी वो कम करता है। हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जब हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा हैं, जो हमारे कमेंसल्स हैं, वो भी किल हो जाते हैं। यूजुअली इन कमेंसल्स हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। ये बाहर से आए हुए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लड़ते हैं हमारी बॉडी को बचाने के लिए। जब हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, स्पेशली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको लेने से। तो पहली बात तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा एंटीबायोटिक अगर हम लोग कोई वायरल इन्फेक्शंस में ले रहे हैं तो उसका नुकसान है जी। हमको कब एंटीबायोटिक्स के लिए जाना चाहिए? जब तक कि कोई डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब ना करे, कोई कल्चर हमारा, यूजुअली जब तक कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर ना हो, हमारे को एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की रिपोर्ट ना दी जाए, जब तक हमारे को कोई, जैसे कि हम कोल्ड की और इसकी बात करें तो निमोनिया की कंडीशन में यूजुअली एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो मोस्टली वायरस की वजह से होते हैं उसमें एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा है। डॉक्टर सोनाक्षी, एंटीबायोटिक अगर ना लें तो फिर क्या करें? क्योंकि जैसे कि डॉक्टर ने अभी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी में, उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में क्या करें? श्रुति ने बहुत सही बोला है, हमारी कंट्री में बहुत ही रैम्पेंट अब्यूज हो गया है एंटीबायोटिक्स का। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड पोस्ट कोविड ये है कि 2 दिन ठीक है जुकाम आई एंड पेशेंट तुरंत से अजिथ्रो के ऑलरेडी डोज लेके आता है। तो आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि एंटीबायोटिक्स का अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें कोई रोल नहीं है। यू कैन जस्ट टेक सिम्टोमैटिक दवाइयाँ लीजिए, बुखार है तो उसके लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं, बाकी विटामिन सी ले सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स ले सकते हैं उसके लिए। तो बस पेशेंट को कंफर्टेबल करना और उनको एडिक्वेट बेड रेस्ट और हाइड्रेशन, ये मेन पिलर्स होता है ऑफ ट्रीटमेंट इन एनी वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया ना हम तब सस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ खतरनाक ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों कि कॉफ में बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, चेस्ट पेन है, सांस में दिक्कत है, हमें ऐसा डॉक्टर के एग्जामिनेशन पर लग रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कुछ लक्षण हैं, तब हमें आइडिया एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी चाहिए। और कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए स्टार्ट करना एक खराब आदत है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ नोएडा से प्रिया जुड़ चुकी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रिया, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा ये सवाल है कि कई बार महीने में 2-3 बार मेरे को कोल्ड हो जाता है, गर्म पानी पीने के बावजूद भी, सर और पूरे स्वेटर पहनने के बावजूद भी, एक बार भी अगर थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो तो रात में ऐसा लगता है कि गले में खराश हो रही है और उसके बाद मॉर्निंग तक फीवर आ जाता है। तकरीबन 2 बार से ऐसा ही हो रहा है, इसका कोई सुझाव? जी डॉक्टर नरेश। देखिए, मैं 2 बातें कहना पसंद करूँगा। मैं द अदर पैनलिस्ट जिन्होंने कहा कि यस
इन्हें केस ऑफ यूआरआई एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। बट यूजुअली अगर हमें ओटाइटिस मीडिया हो गया है, दैट इज़ ए वार्निंग सिग्नल कि एंटीबायोटिक इज वॉरंटेड, इज नीडेड। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कंप्लीट ब्लड, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये आम जनता के लिए है। मैंने ऐसे घरों में देखे हैं कि सेकंड थर्ड डे एंटीबायोटिक ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया, 3 दिन खा लिया फिर छोड़ दिया, ये गलत है। सो आई वुड एडवाइज ए अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक बाई द एडवाइस ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर, ये बहुत ही ज़रूरी है और कोर्स पूरा कीजिए। तो ये दूसरा सवाल है कि जो कई लोग देखे गए हैं बेचारे इतने बीमार होते हैं कि एक महीने में 4-5, 5-5, 6-6 बार बुखार आ गया, बंदा दुखी रहता है, डॉक्टर साहब मैं करूँ क्या? तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा, यस, पहली बात बी इन टच विद ए डॉक्टर, वो आपका ब्लड काउंट टेस्ट करवाएगा, अगर ब्लड कल्चर करवाना होगा वो भी करवाएगा, एंटीबायोटिक दिया जाना है तो भी दिया जाएगा। जहाँ तक बात है ये मैं ठंडा पानी का ग्लास पी लिया तो रात नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग हो गया, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, बट व्यवहारिक रूप में ऐसा हो सकता है। उससे बचने का भी एक ही उपाय है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन कीजिएगा। दवाएं किसी भी तकलीफ का या किसी भी बीमारी का अंत नहीं हो सकता। यू हैव टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी बाई ए प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, जिसमें प्रोटीन्स हों, एग्स हों, उनमें दालें मिलें, हरी सब्जियां मिलें, फलों का अच्छा इस्तेमाल किया जाए। जंक फूड जो कि बच्चों का या टीनेजर्स का था रोज़ का बन गया है कि हाँ जी मैं खाऊंगा तो आइसक्रीम, मैं खाऊंगा तो चॉकलेट, बाकी मेरा गला ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वी आर द, ये दुनिया नेचर असूलों पे चलती है, उसी असूलों को अगर हम फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अनडिज़ायरेबल मिजरी से और तकलीफ़ों से और फालतू की दवाओं से हम बच सकते हैं। शुक्रिया। मेरा एक और सवाल पूछिए, पूछिए जी। सर मेरा सवाल, कई बार जब खांसी बहुत ज्यादा होती है तो स्टमक में पेन होने लगता है, तो क्या वो स्वाभाविक है या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा अलर्ट? सर देखिए, जो खांसी आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। व्यवहारिक मेरे क्लिनिक में पिछले आई वुड से 4-6 हफ्तों से हम खांसी के केस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसी खांसी जिसको कि मैंने वर्ड यूज़ किया था एलर्जिक कफ या ब्रोंकाइटिक कफ, उससे बचने का एक मैंने हाइड्रेशन के लिए बोला है, दूसरा मैंने बोला था फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, तीसरा अनडिज़ायरेबल आप कफ सिरप, कभी मैंने ये पी लिया कभी नहीं वो पी लिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तीसरा और चौथा जो प्रॉपर डॉक्टर के टच में रह के, अगर डॉक्टर आप समझता है कि आपको कोई ब्रोंको डायलेटर का नेबुलाइजर मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलना चाहिए, और जो लास्ट रिजोर्ट है वो हम स्टेरॉइड्स ज़रूर देते हैं और उससे पेशेंट थोड़ा जल्दी भी ठीक होता है, बट अगेन जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। मैंने भी लोगों को देखा है लोग स्टार्ट ही स्टेरॉइड से करते हैं, ये सब गलत है। कई बार बीमारी का कोर्स लंबा जरूर होता है लेकिन अगर डॉक्टर आपको अच्छे से देख रहा है तो आपको अच्छे से एडवाइस करेगा, वो आप उसकी एडवाइस पूरी तरीके से फॉलो कीजिएगा। और हमारे साथ दिल्ली से भी कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए। क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अंश जुड़े हैं हमारे साथ। अंश पूछिए अपना सवाल। मेरा मैडम डॉक्टर नए चीज का सवाल है कि मेरे जो है ना सुबह सुबह एकदम से उठ के कमर दर्द होती है, और मतलब खास तौर मेरा सर, मतलब किस वजह से, कुछ आइडिया है सर को तो बता दीजिए। खांसते वक्त इनकी कमर में दर्द होने लगता है। बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए मैं, जैसा आपकी उम्र मुझे मालूम नहीं कितनी है लेकिन लगता है आपकी आवाज़ से आप काफ़ी यंग नज़र आ गए हैं, तो हमारे हिसाब से देखिएगा कोई हल्का फीवर ना चल रहा हो या कोई माइल्जिया ना चल रहा हो तो आपके डॉक्टर में टच में रहते हुए कोई हल्का फुल्का पेन रिलीवर ले सकते हैं या कोई पेन रिलीविंग जेल लगा सकते हैं या अपना कैल्शियम का टेस्ट करवाइएगा। अगर आप दूध वूध नहीं पीते तो जैसा कि मैंने इन केसेस में जो अनकंट्रोल्ड कफ है वो बड़ी लंबी कफ है, उसमें एक संतुलित आहार का और एक बैलेंस फूड का मैं बहुत महत्व समझता हूँ, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आपकी जो चलती फिरती तकलीफें हैं बड़ी आसानी से ठीक हो जाएंगी। मनोज जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी सर जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर नरेश जिक्र कर रहे थे कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ये तो हमें पता ही कि बीमार होंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मेडिसिन देगा हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाएं, हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में जिससे इस तरह की चीज़ों से हम बच सकें? देखिए इम्यूनिटी एक दिन में तो बिल्ड होगा नहीं, आपको इम्यूनिटी पे एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है,
उसको बिल्ड करने के लिए जैसा डॉक्टर साहब भी बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट थी, जो भारतीय जो खान पान था वो ठीक था, उसमें प्रोटीन भी होता था, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, हरी सब्जियाँ। तो इस तरीके से हमारे जो भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिसेंटली जो यंगस्टर हैं वो जंक फूड, रेडीमेड फूड पे चले गए हैं। दूसरी चीज़ कि फ्रूट्स और हरी पत्तियों की सब्जियों का कम हुआ है खपत, लोग इस्तेमाल कम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी के लिए, प्रोटीन कंटेंट ट्रेडिशनली हमारे इंडियन डाइट में कम होता है क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस होते हैं, तो उसकी वजह से वो पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं या अंडा है ये सब नहीं खाते हैं। तो एक तो ये है कि अपने आहार पर ध्यान दें। दूसरी चीज़ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हर एंगल से, चाहे आप उसको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सोचिए, चाहे लंग्स से रिलेटेड डिजीज सोचिए, चाहे हार्ट से रिलेटेड डिजीज सोचिए। तो आप रोज़ व्यायाम करें, और जो WHO का गाइडलाइंस है कि 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको हर हफ्ते में करनी है, मतलब 30 मिनट कम से कम 5 दिन हफ्ते में करनी है, वो बहुत ही ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी चीज़ को फेस करते हैं तो आपको एक इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा छिप के रहने से आपको, देखिए अभी जैसे एक डेटा था कि 2 साल से कम के बच्चे में 99% पेशेंट्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो इसका मतलब कि एक्सपोजर, एक ग्रेजुअल एक्सपोजर, और मैं यहाँ पे जोर दूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्सट्रीम एज वाले हैं, बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं 65, वो फ्लू वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, क्योंकि देखिए ऑफिशियल डाटा है, 2022 का एक डेटा है, 2020 का डेटा है कि करीब करीब 50% हॉस्पिटलाइजेशन जो है ये फ्लू और सर्दी जुकाम से घट जाता है अगर आप फ्लू वैक्सीन लेते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोगों को इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको वैक्सीनेट भी करना चाहिए। यही कुछ तरीके हैं जिससे हम इससे लड़ सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर सोनाक्षी, छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की समस्याओं से, जल्दी उन्हें कोल्ड एंड कफ होता है, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी बच्चा, जिनको आप जानते हैं, अगर उसको कोल्ड कॉफ है तो थोड़ा आइसोलेशन, जैसे हम कोविड के टाइम पे फॉलो करते थे, दैट हैज टू बी स्टिल फॉलोड, कि बच्चे को बाकी बच्चों से एक्सपोजर में ना लाया जाए, बाकी मास्क पहन के बाकी लोगों से इंटरेक्ट करें, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइज करना चाहिए आस पास की जो भी चीज़ें जो टच करते हैं उसको सैनिटाइजर से एक बार डिसइंफेक्ट करने को ये बताना चाहिए। एंड जैसे सर ने अभी बताया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रियरली शॉर्ट, स्पेशली बच्चों में और अडल्ट में, इट शुड बी गिवन, तो इसके अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी काफ़ी कम। डॉक्टर नरेश, अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि सर्दी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपने बताया कि आपके पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आ रहे हैं जो ये जो खांसी चल रही है इसके शिकार हैं। मैं खुद, मुझे भी बहुत वक्त से ये खांसी चल रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या अब हम उतने यूज टू नहीं हैं, क्या ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है इसे लेकर हम यूज टू नहीं है, इसीलिए ये जो कोल्ड एंड कफ है इसका भी जो रूप है वो बदलता जा रहा है, इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, हमारे देश में और पर्टिकुलरली NCR में मैंने देखा है कि इट इज़ नॉट द कोल्ड विच इज़ प्रॉब्लम। कनाडा में तो -30 तक हमारे हिंदुस्तानी जाके रह लेते हैं, वहाँ उनको कोई तकलीफ नहीं होती। आई थिंक इट इज़ अ पोल्यूशन विच इज़ किलिंग अस। एक पोल्यूशन और एक लैक ऑफ हाइजीन की वजह से कीटाणु पनपता जाता है, वेदर इट इज़ वायरस और बैक्टीरिया, मॉस्किटो, एनी वन ऑफ देम, ये सब पनपते जाते हैं। आई थिंक ऑन प्रायोरिटी बेसिस देयर शुड बी अ नेशनल प्रायोरिटी कि हम सफाई पे ध्यान दें, और दूसरा जो पोल्यूशन विच इज़ किलिंग अस। मैंने देखा है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब द आई वेंट अब्रॉड एंड आई केम इन इंडिया, द मोमेंट आई लैंडेड एट बड़ी इंडिया गांधी एयरपोर्ट पता चल गया मैं पहुंच गया हूं यहां पे, और फिर उसको पहुंच गया जीना तो यहीं है। तो आई वुड से ऑन प्रायोरिटी हमें पोल्यूशन, हम पोल्यूशन के जन्मदाता भी हैं और उसके भुगत भोगी भी हैं। कहने का मतलब मैं कूड़ा खुद बाहर फेंकता हूँ, मैं सफाई का खुद ख्याल नहीं रखता, मैं पत्तियाँ खुद जलाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। मैं कार शेयरिंग नहीं करता, मैं अपनी कार अलग लेके चलता हूँ। दिल्ली वालों को तो बहुत ही शौक है, देयर आर मोर कार्स इन दिल्ली एनी अदर मेट्रोपोलिटन सिटी। आई थिंक इट इज़ ए प्रायोरिटी, वेयर हेयर वी नीड टू चेंज आवर बिहेवियर, हम अपने आप को बदले हैं। देर हैज़ टू बी बेटर सिविक सेंस एंड द गवर्नमेंट्स विच परहैप्स हैव नो प्रायोरिटी टू रिड्यूस द पोल्यूशन व्हाटसोएवर,
चाहे जितना ये पार्क किया था, ये आउट इवन किया, वो किया, दे वर ओनली शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स आर नॉट इन प्लेस। आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से भी अपील है और आम जनता से भी अपील है, आप भी कूड़े करकट फैलाने में जनता भी कोई कमी नहीं छोड़ती, तो आई थिंक वी हैव टू जनरेट ए कॉमन पब्लिक ओपिनियन दैट हमें ये प्रायोरिटी पे करना होता है, अदरवाइज जो हमारे बच्चे हैं, आई थिंक आई वॉज सींग आई वॉज वॉचिंग ए रिसर्च क्लियरली सेट, जो बेचारा बच्चा पैदा होता है इन्फेंट, यानी कि एक साल से पहले पहले उसके उसके फेफड़ों में इतना कार्बन चला जाता है इसके थ्रू, पोल्यूशन के थ्रू, कि ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि कह सकते हैं हम डेवलपमेंट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमें। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, तो आई वुड से डेवलपमेंट इज वन थिंग, डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हो रही, अदर कंट्रीज आर हैविंग फार मोर डेवलपमेंट। आई हैव सीन स्मॉलर साउथ ईस्टर्न नेशंस लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान कितनी तरक्की कर गए हैं, लेकिन साथ में सफाई भी है। हमारे मुझे अच्छी तरह पता है लंदन में या पेरिस में अगर ए क्यू आई 20 रुपये बढ़ जाए तो देर डिक्लेयर नेशनल मेडिकल इमरजेंसी। हम तो 400-500 ऐसे भुगते हैं जैसे ये तो हमें झेलना ही है हिंदुस्तान में। आई थिंक डाउन द लाइन इट हैज़ टू बी ए नेशनल प्रायोरिटी बिफोर द गवर्नमेंट्स, बिफोर द पब्लिक, बिफोर द हेल्थ प्लानर्स। अगर ऐसा सब हम मिलकर करेंगे तो शायद हम समझते हैं हमारा कल कुछ बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर श्रुति भी हमारे साथ बनी। डॉक्टर श्रुति, जैसे कि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी में, तो आखिर ये हम इसको किस तरह से पहचाने, अगर हमने इस बार कोई एंटीबायोटिक लिया है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं घरों में वो खुद से एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि हम जब कभी बीमार पड़ेंगे तो हम एजिथ्रोमाइसिन ले लेंगे या फिर कोई और हम एंटीबायोटिक ले लेंगे, तो जब बॉडी में उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है तो आखिर वो कैसे काम करेगी बॉडी पर और उसके नुकसान क्या होंगे? देखिए, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक, जब आप अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के या जब आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है तब आपने एंटीबायोटिक ली है, और फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का तो काम ही है जी, फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक बार उन्होंने आपको ये मेडिसिन लिखी, एंटीबायोटिक्स आपको प्रिस्क्राइब किए, 2 महीने आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको सेम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, तब तो आपकी बॉडी में डेवलप हो चुका है ना वो रेजिस्टेंस। जी, इसी के लिए मैंने पहले बोला कि कल्चर जो है, बैक्टीरियल कल्चर जो कि हम लोग उसको बोलते हैं, जो बैक्टीरियल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, जो कि आपके कौन सी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे काम करेगी, इसके लिए हम लोग बैक्टीरियल कल्चर, जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर है और वो कौन सी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करेगा, इसके लिए हम एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो आई अर्ज टू क्लिनिशियंस ऑल्सो कि जब भी आपके पास में अगर हो सके तो पेशेंट के सैंपल्स कल्चर्स के लिए भी भेजें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि डॉक्टर्स कई बार उनको एंटीबायोटिक लिख देते हैं बिना ये सोचे, बिना ये पता किए कि वो उस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है कि नहीं है। तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हो सकता है वो पेशेंट रेजिस्टेंट हो उस एंटीबायोटिक के लिए और वही एंटीबायोटिक वो लिए जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा कल्चर कराएं, कल्चर हमेशा जब एंटीबायोटिक देने से पहले ही उसका सैंपल लिया जाना चाहिए, चाहे ब्लड का हो, चाहे स्पूटम का हो, जो भी अगर आपको अगर पेशेंट को दे सकता है। लेकिन डॉक्टर मनोज, छोटा सा सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे, लेकिन अक्सर ये प्रोटोकॉल जो है ये फॉलो नहीं किया जाता है, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी। जी, बहुत कम शब्दों में नहीं, मुझे लगता है इसके इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, और लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे ट्रीटिंग फिजिशियंस भी होते हैं, दे स्टार्ट विथ हेवी एंटीबायोटिक्स, उनको लगता है कि इससे तो रेजिस्टेंस ही हो गया होगा। मुझे लगता है ये प्रिजम्पशन है और इस प्रिजम्पशन से दूर होना पड़ेगा आपको, जो उन्होंने कहा कि एक कल्चर बेस्ड एंटीबायोटिक जागरूकता की ज़रूरत है हमारे स्वास्थ्य महकमे में, और साथ ही साथ आम लोगों के बीच भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप बच सकते हैं, तभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं शायद आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, आप अपना इम्यून सिस्टम इतना डेवलप कर लें, हम अपने आसपास का सिस्टम इतना डेवलप कर लें। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, और हमारे साथ जो बाकी मेहमान जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर, नमस्कार।